तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, शुरू करने वाले आज हम जो है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज शुरू करने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर वो है कि 1 ग्राम NaCl में उपस्थित एक कोशिकाओं की संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एन ए बटे 4 × 58.5। अगला प्रश्न है कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम प्लस आयन तथा क्लोरीन आयन की समन्वय संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सीजियम प्लस आयन में कितनी होती है? समन्वय संख्या 8, और क्लोरीन आयन में कितनी होती है? समन्वय संख्या 8 होती है। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38 है कि निम्न में से कौन से जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम है? कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 0.3 mg एल्यूमिनियम सल्फेट, ट्राई एल्यूमिनियम सल्फेट। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CH3COCH3 प्लस C2H5OH, ये क्या करते हैं दोस्तों? धनात्मक विचलन दर्शाते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। फिर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है कि यदि KCl, HCl तथा KAC की सीमांत मोलर चालकताएं x, y तथा z सी सेंटीमीटर मोल स्क्वायर -1 है, तो HAC की सीमांत मोलर चालकता क्या होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 40 का इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि x प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अमोनिया गैस कि प्लेटिनम उत्प्रेरक और उच्च दाब पर जो है क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसमें से राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4, इसके परिणाम स्वरूप अधिशोषक पृष्ठ पर बहुआणविक परतीय अधिशोषण होता है, यह जो है गलत कथन है। बाकी जो है तीनों सही है कि रासायनिक बंध निर्माण के कारण होता है रासायनिक अधिशोषण, दूसरा क्या है यह अनुत्क्रमणीय होता है, तीसरा है अधिशोषण एंथैल्पी उच्च होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से ऋणावेशित सोल है, तो कौन सा जो है इनमें से ऋणावेशित सोल है? ऑप्शन नंबर ए, CDS सोल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम क्या है, तो इसमें से देखना है दोस्तों इसका सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ये जो है दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149 है कि निम्न में से कौन सा संकुल ज्यामिति समायता दर्शा सकता है, तो इनमें से कौन सा दर्शा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 149 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्राई अमोनियम कोबाल्ट, ट्राई नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नाभिक तीव्रता से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने वाला यौगिक है, तो इनमें से कौन सा यौगिक जो है नाभिक? क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या टेट्रा नाइट्रो ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो इसका इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पिकरी कमरे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 151 कि गलनांक का सही क्रम कौन सा है, तो इसमें गलनांक का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? पहला डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन या मेटाक्लोरोबेंजीन, तो इसमें से राइट आंसर क्या है दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर सी 1412, ये जो है इसका बिल्कुल सही क्रम है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्न अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए, तो इसमें से आपने देखना है
एक ही असंतृप्तता की कोटि चार है, बी में परोक्साइड बंधन है, डी आइडोफार्म परीक्षण परीक्षण देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 573 केल्विन पर प्रोपेन टूऑल की कॉपर के साथ अभिक्रिया पर बनता है, क्या बनता है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, क्या बनेगा। प्रोपेन टूऑल की जब कॉपर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसका निर्माण होता है 150 है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कीटोन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN डाइबल हाइड्रोजन H2 के साथ जो है रिएक्शन करता है तो क्या देता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यह जो है बिल्कुल जो साइनाइड की जगह आपको क्या लगाना है, CHO LDHD यहाँ पर जोड़ देना है, LDHD ग्रुप। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या है। तो क्या है ये आपको बताना है, बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके क्या देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यह जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से किस युग्म के यौगिकों को आइसोसाइनाइट परीक्षण द्वारा विभेदित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है नाइट्रोबेंजीन जो है SN+HCl के साथ रिएक्शन करके ए, फिर बी, फिर HBFO4 के साथ, फिर सी और डी। तो आपको पहचानना है कि डी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फ्लोरोबेंजीन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लैक्टोज के जल अपघटन पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2, ग्लूटामिक अम्ल जो है अनावश्यक एमिनो अम्ल है। अगला है कि निम्न में से पॉलीएस्टर है, तो पॉलीएस्टर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, PHBV। यह जो है दोस्तों आपका क्या है, पॉलीएस्टर है। फिर अगला प्रश्न है कि सेरोटिनिन है, तो सेरोटिनिन क्या है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, एक प्रशांतक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रूपांतरण में बंध क्रम बढ़ता है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, O2 से O2+, इसमें जो है बंध क्रम बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि H2S तथा SO2 में S के संकरण क्रमशः, तो बताना है सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड्राइड में सल्फर का संकरण क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 163 का आपका ऑप्शन 4, SP3 तथा SP2। H2S में SP3 रहेगा और SO2 में क्या रहेगा आपका, SP2 संकरण रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कक्षीय आरेख हुंड के नियम का उल्लंघन करता है। 164 इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, कौन सा जो है हुंड का नियम क्या है कि इलेक्ट्रॉन तब तक पेयर नहीं हो सकते जब तक जो है सारे कक्षक भरे नहीं जाते, यानी कि उनमें जो है सारे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाते तब तक जो है इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में डबल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह जो है हुंड नियम का क्या उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न है हीलियम तथा समान आयतन वाली गैस एक छिद्रित विभाजक द्वारा क्रमशः 15 तथा 30 सेकंड में विसरित होती है, तो एक्स गैस हो सकती है। तो हीलियम तथा समान आयतन वाली गैस जो एक्स है वो आपको पहचाननी है। तो इसका राइट आंसर क्या रह सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन। अगला है कि निम्न में से पथ फलन है, तो
पद फलन कौन सा है, यू एच माइनस टी एस डब्ल्यू या यू प्लस पी वी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, एच सी ओ थ्री माइनस का संयोगमी अम्ल है, तो क्या है 167। इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 एच टू सी ओ थ्री जो है एच सी ओ थ्री माइनस का संयोगमी अम्ल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक दी गई अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच बराबर 30 किलो जूल पर मोल तथा डेल्टा एस बराबर 40 किलो जूल पर मोल है, अभिक्रिया किस ताप पर स्वतः प्रवर्तित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 3 800 केल्विन। फिर अगला है कि निम्न साम्य अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा 169 का आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 0.4। अगला प्रश्न है, NH3H2O तथा N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः कितनी होती है। तो NH3 में कितनी होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि -3 रहेगी। N2O में कितनी रहेगी, -1 रहेगी। और N2O3 में नाइट्रोजन की +3 जो है ऑक्सीकरण अवस्था रहती है। अगला प्रश्न है 171, H2O2 के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि ए बी तथा सी, कि इसकी संरचना असमतलीय होती है। H2O2 ये क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। दूसरा है, यह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है, यह भी सही है। तीसरा है, यह प्रकाश के प्रभाव में धीरे धीरे अपघटित हो जाता है, यानी कि तीनों कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि जल योजन एंथैल्पी का सही क्रम है, तो बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ और बेरिलियम 2+। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोरेक्स में BOB बंधों की संख्या है, तो कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5। अगला प्रश्न है कि हेलोजन के आकलन की कैरियोस विधि में 0.2 ग्राम कार्बन यौगिक 0.1 ग्राम AgBr देता है, यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत परमाणु द्रव्यमान Ag बराबर 108 और ब्रोमीन का कितना है 80 U है, तो आपने क्या निकाला है, ब्रोमीन का प्रतिशत क्या होगा कैरियोस विधि में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 174 का आपका ऑप्शन नंबर ए 21.28%। अगला प्रश्न है, कीटो इनोल चलायवयता दर्शाने वाला यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यह जो है दोस्तों चलायवयता दर्शाने वाला यौगिक है। अगला प्रश्न है, किसके आधिक्य के द्वारा ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए, विचार करना है, एक है ब्यूटाइन PD या कार्बन की उपस्थिति में, दूसरा है सोडियम या द्रव अमोनिया की उपस्थिति में क्या उत्पाद देता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 177 का इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या क्या देता है, ये देता है दोस्तों सिस तथा ट्रांसब्यूटीन। ऑप्शन नंबर सिस कौन सा है, सिस ये है, ट्रांस कौन सा है, ये जिसमें दोनों ऊपर समान है, ये क्या होता है सिस, ट्रांस में दोनों जो ग्रुप अलग अलग रहते हैं अपोजिट साइड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर है, इनमें से सल्फर जो है अधिकतम ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला एंथैल्पी वाला है। अगला है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक हाइड्रो HCl के 25% WW जलीय विलयन का भार क्या है। तो यह है दोस्तों आपका द्रव्यमान प्रतिशत, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में है आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये द्रव्यमान प्रतिशत आपको यहाँ पर निकालना है, W/W का अर्थ होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 146 ग्राम इसका राइट आंसर है, बाकी आपको इसको जो है खुद सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है कि 6.4 ग्राम सल्फर आयन में
उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, 1.6 Na। तो यह है दोस्तों केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर से जो है 50-60 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ले आएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।